नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और एस्ट्रोलॉजी आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा स्वामी विवेकानंद की। उनके हस्ताक्षर से मैं बताऊंगा कि आखिर उनके सिग्नेचर में ऐसा क्या खास था कि वे एक विश्व गुरु, आध्यात्मिकता के विश्व गुरु बन गए। समाज सेवा में अपने आप को उन्होंने एक मुकाम इस तरह से हासिल किया और करवाया भी हिंदुस्तान को कि उनकी एक साख पूरे विश्व में मानी गई। आज मैं आपको सिग्नेचर के माध्यम से जो विवेकानंद जी का सिग्नेचर है ये बताऊंगा कि आखिर इस सिग्नेचर में क्या खास है। इसके पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी आईक्यू में एक ज्वाइन बटन है, आप उसको ज्वाइन करके अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हर सैटरडे संडे मैं लाइव आपसे मिलूंगा। आप उसको ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो ये उन सभी के लिए जो पर्सनल कंसल्ट नहीं कर सकते। आइए शुरू करते हैं, विवेकानंद जी का सिग्नेचर जानते हैं। बड़ा यूनिक सिग्नेचर है। इस सिग्नेचर में खास बात अगर जो मुझे लगती है तो वो कुछ खास बातें हैं। पहली खास बात ये कि जो ये वी बना है ये एक नॉलेज बोल है, ज्ञान का कटोरे के तौर पे बना गया है ये। इसके बताऊंगा कि इसको क्यों मैं नॉलेज बोल बोल रहा हूं। दूसरा, सिग्नेचर पूरा का पूरा कनेक्टेड है वी के अलावा। तीसरी बात, यहाँ पे जो लास्ट में जो डी बना हुआ वो आप देख सकते हैं। और एक खास बात जो मुझे बहुत यूनिक लगती है जो जल्दी नहीं मिलता है, वो लगभग वी के बाद अगर कोई लेटर सबसे बड़ा है तो वो है यहाँ पर के का। ठीक, अब आपको समझाता हूं। यहां तो नीचे एक लाइन उन्होंने बनाई है विवेकानंद जी ने, वो हम देख सकते हैं। अब समझाता हूं आपको, इंपॉर्टेंट है ये जो वी अगर आप देख रहे हैं, लोग अक्सर जब माथे पे टीका बनाते हैं तो कुछ इसी तरह से बनता है। वो आध्यात्मिकता का परिचायक होता है, वो हमारे वो इस सिग्नेचर पे आप देखिए ये नॉलेज बोल कहा जाता है, ज्ञान का कटोरा कहा जाता है। ये दिखाता है कि व्यक्ति के पास कितना ज्ञान है, ये ज्ञान का भंडार है। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर ये आप देखिए ये थोड़ा सा झुका हुआ यहां पर इस तरफ और यहां पर इस तरफ झुका हुआ, इसीलिए इसको ज्ञान का कटोरा कहा गया है। अगर ये सीधे जाता तो ये हमारा मनी बोल बन जाता, यानी कि ये धन का कटोरा बनता, मनी बोल। लेकिन ये ज्ञान का कटोरा कहा जाता है। इसकी आइडेंटिटी आप देखिए सबसे अलग है, वी से अलग बाकी सारे लेटर लिखे गए। इसका मतलब ये है जो वी यानी कि विवेकानंद, वे अपनी आइडेंटिटी को सबसे अलग पहचान देना चाहते थे, सबसे अलग दिखाना भी चाहते थे। ये उनके एक बहुत एक कह सकते हैं कि महान व्यक्तित्व का परिचय है। पूरे सिग्नेचर में सबसे बड़ा यहां पर वी है। एक खास बात आप और देखिए, जो सिग्नेचर है ये ना वी के नीचे है ना वी के ऊपर, बिल्कुल वी के मिडल में जा रहा है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति बड़ा बैलेंस वाला होता है, जो विवेकानंद के अंदर था, बैलेंस थे। कोई इनमें ऐसा नहीं उत्तेजना हो या किसी बात में बहुत ज्यादा गुस्सा कर ले जाते हो, ये इनके बैलेंस बिहेवियर को दिखाता है। अक्सर मैं कहता हूं कि अगर किसी के सिग्नेचर में एक लेटर के बाद, फर्स्ट लेटर के बाद बाकी सारे लेटर बीच में लिखे हैं तो ऐसा व्यक्ति बड़ा बैलेंस बिहेवियर का होता, जो हमें यहां पर स्वामी विवेकानंद जी के सिग्नेचर में भी देखने को मिलता है। इसके बाद सारा सिग्नेचर कनेक्टेड है, इसका मतलब ये लोगों के साथ जुड़ करके आगे चलना चाहते थे। ये कि अगर कोई भी, इसलिए मानव सेवा में इनका बड़ा रुझान रहा कि इनका मानना था कि अगर हम मानव सेवा करेंगे तो हम ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे, वो यहां दिखता है। और एक बात आप और बताओ, यहां पर ये आप जो डी देखिए ये इस तरह से कुछ बना हुआ है जैसे कि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है। यहां पर जो वी है, यहां पर ये जो पढ़ा जा रहा है ये आम जनता है जो इनको पढ़ना चाह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साहित्य में रुचि लेने वाला बहुत व्यक्ति लिखने वाला हो जाता है ताकि लोग उनके बारे में ज्ञान बटोर सके, ज्ञान उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। ये जो साइन होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में देखिए विवेकानंद के बाद यानी एनए के बाद पूरा जो सिग्नेचर वो फैलाव लिए हुए है, ये टोटेलिटी को दिखाता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत संपूर्णता को जीना चाहेगा, हर एक पल को जीना चाहेगा और अपने पल को, अपने समय को वो समाज को समर्पित भी करेगा। ये सिग्नेचर में दिखता है। खास बात ये लक्ष्य को समर्पित दिखाता है। जो नीचे इन्होंने लाइन खींची है बहुत गाढ़ी लाइन है और यहाँ आई की जो डॉट है वो थोड़ा दूर आई यहां पर, लेकिन डॉट यहां है। इसका मतलब कि ऐसा व्यक्ति इमेजिनेशन उसके पास बहुत होगी और इमेजिनेशन यही कारण था कि इनको एक स्वप्न दृष्टा भी कहा जाता था। यानी कि सपनों को बनाने वाला और उसको कालजयी बनाने वाला भी जो स्वामी विवेकानंद जी के साथ था वो यही बात थी कि इंटेलिजेंस को दिखाता है। और पूरा सिग्नेचर कनेक्टेड है, ये इनके हाईली इंटेलिजेंस और मानव सेवा को समर्पण, लिटरेटिक
ये सब इनका सिग्नेचर यहाँ पर बनता है। इसीलिए विवेकानंद कहीं ना कहीं भारत के एक कालजयी पुरुष बने, और ऐसा व्यक्ति सदियों में एक बार जन्म लेता है। और विवेकानंद जी के आज सिग्नेचर पर मैंने जो विश्लेषण किया, मैं चाहूंगा आप भी कोई अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि अब किस व्यक्तित्व पर मैं सिग्नेचर